इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और मेथड ऑफ स्टार्टिंग दोनों का आंसर सेम होगा, मतलब जो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज वही मेथड ऑफ स्टार्टिंग होगी। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर पूछा जाता है या मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछा जाता है, उसका आंसर सेम होगा। और ये पांच टाइप्स हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के या पांच मेथड हैं स्टार्टिंग के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो किस तरह का है मेन वाइंडिंग के साथ। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों से डिस्कस किया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाई जाती है, तो मैंने उसमें आपको बताया था ना कि एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगाते हैं, ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते हैं 90 डिग्री इन स्पेस विद मेन वाइंडिंग, मेन स्टेटर वाइंडिंग, जिससे कि मोटर कंप्लीटली टू फेज मोटर में कन्वर्ट हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या नेचर है, किस तरह से उसमें कंपोनेंट कनेक्ट किए जा रहे हैं, उसी बेसिस पे ये पांच टाइप बनाए गए हैं। जैसे कि स्प्लिट फेज कह लीजिए या रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड कह लीजिए, तो इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा। कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब यह है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में या ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर कनेक्ट होगा, मोटर के स्टार्ट होने के बाद वो हट जाएगा, इसी वजह से उसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट। हट जाएगा मतलब ऑटोमेटिकली सर्किट से रिमूव हो जाएगा वो। थर्ड पार्ट है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, उसका मतलब यह है कि दो कैपेसिटर होंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग में, एक जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये दोनों कैपेसिटर मोटर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो एक कैपेसिटर हट जाएगा, सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचा रहेगा, इसीलिए इसका नाम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। फोर्थ पार्ट क्या है, ये परमानेंट कैपेसिटर, इसका मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक कैपेसिटर परमानेंटली लगा रहेगा, वो हटेगा नहीं मोटर से, तो इसलिए उसका नाम है परमानेंट कैपेसिटर। और शेडेड पोल इन चारों से अलग है, ये अब यूज नहीं होती है, बहुत पुरानी मोटर हो चुकी है, इसका पावर फैक्टर बहुत लो होता है, बहुत पुअर पावर फैक्टर देती है ये मोटर, इसलिए इस्तेमाल में नहीं आती, सिर्फ पढ़ाने के इस्तेमाल में आती है। ओके, और परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो है ये सीलिंग फैन में यूज़ होती है। सीलिंग फैन मतलब हमारे घरों में जो पंखा हमारे सर के ऊपर लगा रहता है, जो हमको हवा देता है, दैट इज सीलिंग फैन। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर बेसिकली सीलिंग फैन में लगी होती है। तो एक बार सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दैट मोटर विच इज यूज्ड इन सीलिंग फैन, काफी पहले समय पूछा गया क्वेश्चन है। तो सीलिंग फैन इज अ परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और ये जो परमानेंट कैपेसिटर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे सीलिंग फैन में, कंडेंसर हम बोलते हैं ना, कंडेंसर, कंडेंसर जो फैन में लगा होता है, पंखे में लगा होता है, दिस कंडेंसर इज बेसिकली परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर में लगा होता है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इन पांचों के बारे में ब्रीफ में जानकारी जुटाते हैं कि ये होता क्या है पांचों टाइप में। सबसे पहले स्प्लिट फेज और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो हम लोग इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। एक मेन वाइंडिंग हो गई, इसके साथ 90 डिग्री पे एक वाइंडिंग लगाई गई स्टार्ट करने के लिए से, और इसमें एक स्विच लगा दिया। इसमें स्विच लगा दिया, तो ये मेन वाइंडिंग हो गई, मेन वाइंडिंग, और ये वाली जो वाइंडिंग है ये वाली वाइंडिंग ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पर स्क्विरल केज और रोटर, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज, दैट मीन्स सिंगल फेज एसी सप्लाई,
सिंगल फेज एसी करंट, यहाँ पर मेन वाइंडिंग की करंट आईएम और इसमें जो करंट जा रही है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट आईएस। अब यहाँ पर जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है मेन वाइंडिंग का। मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग यानी ये वाली वाइंडिंग, ठीक है, इसका जो इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग के इंडक्टेंस और जो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ मेन वाइंडिंग वो कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। ये डिज़ाइनिंग इस तरह से स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर को डिज़ाइन किया जाता है कि मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच लगाई गई है, ये स्विच का पर्पज़ यह है, पहले तो इन दो मेन वाइंडिंग को इस तरह से जैसे मैंने यहाँ बताया डिज़ाइन करने से क्या होगा कि सिंगल फेज करंट टू फेज करंट में स्प्लिट हो जाएगी। ये दोनों वाइंडिंग तो स्पेस में 90 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हैं लेकिन इन करंट्स के बीच में 30 टू 40 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, टाइम फेज डिफरेंस, जिस वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जिनको ये बात नहीं क्लियर होगी पिछला लेक्चर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दोनों करंट के बीच में, इन दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस आएगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये रोटर घूमने लगेगा, दैट इज मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मोटर सिंक्रोनस स्पीड के 70-80% पे पहुंचती है वैसे ही ये स्विच ओपन हो जाती है, यानी जब मोटर को स्टार्ट करना है तो स्विच को क्लोज कर देते हैं। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है 70-80% स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड के मोटर पहुंच जाती है तो ये स्विच मैकेनिकली अपने आप ओपन हो जाती है, इसमें रिले लगा होता है ये ओपन कर देता है, तो फिर ये मोटर घूमती रहती है, मतलब ये रोटर घूमता रहता है, सिर्फ वो सर्किट में मेन वाइंडिंग बची रह जाती है, ये वाली वाइंडिंग फट जाती है सर्किट से, इसीलिए इसका नाम है स्प्लिट फेज और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब क्योंकि हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में डिस्कस किया था कि अगर इनिशियली किसी भी डायरेक्शन में रोटर को घुमा दे तो उस डायरेक्शन का टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगा तो रिजल्टेड टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज़ किया गया है कि यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए और रोटर चालू हो जाए, उसके बाद मतलब मोटर चालू हो जाए, रोटर घूमने लगे, उसके बाद स्विच ओपन कर देंगे, सिर्फ एक वाइंडिंग से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम क्या है कि जो टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क वो ज़्यादा नहीं होती और स्पीड जो है वो बहुत स्मूथ नहीं होती मोटर की, ये सारे इसके ड्रॉबैक हैं, ठीक। इसका थोड़ा सा फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं भाई। वोल्टेज अप्लाई किया गया सिंगल फेज एसी, आरएमएस वैल्यू कैपिटल वी, क्योंकि मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो मान लेते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं लेकिन मेन वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से लैग करेगी लगभग 90 डिग्री। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग बट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी करंट ऑलमोस्ट जो है हम वोल्टेज के साथ सेम फेज में मान सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसलिए सेम फेज में तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए ये इससे लैग तो कर रही है वोल्टेज लेकिन बहुत ज़्यादा एंगल पे लैग नहीं कर रही। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों करंट का वो हो जाएगा इनपुट सप्लाई करंट कैपिटल आई। तो ये हो गया पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल मोटर के लिए, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इन दोनों करंट के बीच में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इन ऑर्डर ऑफ 30 डिग्री टू 40 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना कि काफ़ी है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। बट यहाँ एक चीज़ और देखिए कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज उसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, यानी थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉस थीटा यानी कि पावर फैक्टर, कॉस पाई यानी कि पावर फैक्टर जो होगा वो पुअर होगा। तो मोटर की ये ड्रॉबैक है कि ये पावर फैक्टर आपको पुअर देगी। अब टॉर्क इसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं होगा ये, और दूसरा कि स्पीड स्मूथ नहीं होगी, ये दिक्कतें होंगी इस मोटर में, ठीक है।
अब इसका एप्लीकेशन जहाँ पर भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉबैक है उसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये इनिशियल स्टेज की डिज़ाइन है, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो स्टार्ट जो उसका इवॉल्व होता है वो बनना शुरू होती है, तो पहले उसमें कुछ कमियां होती हैं इसको ठीक करते जाते हैं। तो इसी तरह से ये पहला डिज़ाइन था जिसमें कि जो दिक्कतें थी मैंने आपको बताया, इसको दूर करने के लिए फिर जो दूसरा डिज़ाइन है उसको बनाया गया, यानी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी इसमें जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर होगा। पहले तो डायग्राम बना लिया जाए, मेन वाइंडिंग, स्क्वायर केज रोटर एंड इससे 90 डिग्री पे अब जो है वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा दिया गया, जिसके साथ एक स्विच भी लगा दिया। सिंगल फेज एसी वोल्टेज, इनपुट सिंगल फेज करंट, ये मेन वाइंडिंग, और ये जो है ये हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें करंट IM मेन वाइंडिंग करंट, और इसमें करंट IST स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। यहाँ पर स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर लगाना है CS। तो इस कैपेसिटर के लगाने से क्या हुआ, बाकी वर्किंग तो सेम है जैसे स्प्लिट फेज इससे पहले वाले मोटर की मैंने आपको बताई, रेजिस्टेंस स्टार्ट की, पर्पस यहाँ पर भी वही है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, बस फर्क क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर आ गए। ठीक, पहले तो इस स्विच को क्लोज कर देंगे, मोटर स्टार्ट हो जाएगी, जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड के आसपास पहुंचेगी तब ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मोटर में सिर्फ मेन वाइंडिंग बची रह जाएगी और मोटर आराम से काम करती रहेगी। लेकिन इस कैपेसिटर के यूज करने से क्या हुआ, इस कैपेसिटर के यूज करने से ये हुआ कि फेजर डायग्राम जो इस मोटर का हम बनाए अगर, तो कैपिटल V मेन वाइंडिंग की करंट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए ये 90 डिग्री तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री वोल्टेज से लेफ्ट है। अब इस वाइंडिंग में इसमें जो हमने लगा दिया कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाने के वजह से क्या हुआ कि इस वाइंडिंग की जो करंट है वो वोल्टेज से थोड़ा सा मान लेते हैं कि लीड कर रही है, थोड़ा सा लीड कर रही है। ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस भी इसमें है, कैपेसिटेंस भी लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब ये क्या हुआ, यहाँ कैपेसिटेंस आ गया, तो थोड़ा सा करंट इससे मान लेते हैं लीड कर रहे हैं एग्जाम्पल के। ठीक, तो अब अगर आप रिजल्टेंट करंट बनाइए, तो अब रिजल्टेंट करंट यहाँ आ गया, यानी ये गैप वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि पावर फैक्टर cos 5 वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, और पावर फैक्टर इंप्रूव होने के वजह से क्या होगा कि मोटर की टॉर्क जो है वो इंप्रूव कर जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क इसकी बढ़ जाएगी मोटर की, तो इसको वहां यूज कर सकते हैं जहां पर हायर इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्वेंट स्टार्ट की रिक्वायरमेंट है, वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। इसका पिछले वाले से क्या फर्क हुआ इसमें कि यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा दिया, तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि इनके जो नेम है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए जिस तरह से, जिस मैनर से स्टार्टिंग वाइंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, तीसरा टाइप कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो उस मोटर में मतलब सॉरी, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन में और कैपेसिटर स्टार्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर दो कैपेसिटर वाइंडिंग में लगते हैं पैरेलल में, एक कैपेसिटर के साथ स्विच लगी होती है, एक कैपेसिटर के साथ स्विच लगी होती है,
इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये कैपेसिटर के साथ स्विच नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं मोटर, इसी वजह से इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। दो मोटर लगे हुए हैं जहाँ पे सॉरी दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। सी एस मतलब यह है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर और सी आर का मतलब है रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग में स्विच को क्लोज कर देंगे तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ गए, ठीक है। दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ गए तो पैरेलल में कैपेसिटर रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या होगा, सी एस प्लस सी आर। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ेंगे सीरीज में तो टोटल कैपेसिटर क्या हो गया, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई कंपेयर टू प्रीवियस मोटर्स। अब एक्ससी जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो क्या होता है, 1/2πfc, राइट। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर बढ़ी तो एक्ससी की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। आई इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाइंडिंग में जो करंट है या करंट जो होती है वो वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस होती है, यहाँ पर इम्पिडेंस क्या है एक्ससी, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू कम हुई, इसकी वैल्यू कम हुई तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दो कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए पैरेलल में तो रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है पर्पजली स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू को ज़्यादा रखा जाता है, लार्ज वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज करते हैं जिससे कि ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी नेट कैपेसिटेंस की तो एक्ससी की वैल्यू कम हो जाएगी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जब एक्ससी की वैल्यू कम हो गई तो आई की वैल्यू बढ़ गई, यानी स्टार्टिंग करंट ज़्यादा मिलेगी मोटर को जिससे कि टॉर्क स्टार्टिंग में ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड के आसपास पहुंचने लगती है तो ये स्विच ओपन हो जाती है, तो ये वाला कैपेसिटर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, बचता है सिर्फ ये वाला कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर, सी आर, सिर्फ ये बचेगा। और इस कैपेसिटर को पर्पजली जो है वो लो वैल्यू का रखते हैं, लो वैल्यू का। सी आर लो वैल्यू का होता है, सी एस लार्ज वैल्यू का होता है, लार्ज वैल्यू का, ठीक। पर्पज क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में सी एस सर्किट में इंक्लूड होगा तो लार्ज वैल्यू का यूज करने से स्टार्टिंग करंट बढ़ जाएगी मोटर की जिससे कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब मोटर अपनी नॉर्मल ऑपरेशन में पहुंच गई यानी रेटेड स्पीड पर पहुंच गई, हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क इसीलिए चाहिए थी ताकि मोटर जल्दी से रेटेड स्पीड पर पहुंचे, जब रेटेड स्पीड पर मोटर पहुंच गई तो सी एस डिस्कनेक्ट हो गया, अब बचा सी आर। अब लगातार लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर सर्किट में परमानेंटली अगर लगा छोड़ देंगे हम अगर सर्किट में, तो ये करंट हमेशा ज़्यादा रहेगी मोटर में, और करंट ज़्यादा मोटर में रहेगी तो हीटिंग लॉसेज होंगे, हीटिंग लॉसेज होंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं कि सी आर की वैल्यू को लो रखते हैं, कि जब मोटर अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंच गई तो सी आर की वैल्यू लो हो गई, जब सी आर की वैल्यू लो हो गई तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा रहेगी, नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा रहेगी तो ये करंट क्या होगी, ये कम रहेगी। तो ये पर्पज है दो कैपेसिटर का यूज़ करने का, और सी एस की वैल्यू क्यों ज़्यादा रखते हैं और सी आर की वैल्यू क्यों कम रखते हैं। तो कंपेयर टू प्रीवियस मोटर इसमें जो टॉर्क है वो ज़्यादा डेवलप होती है, और इसकी जो स्पीड है, क्योंकि टॉर्क इसकी हायर स्टार्टिंग टॉर्क है, तो यानी स्पीड अपनी रेटेड स्पीड को ही मोटर जल्दी अचीव करती है। तो ये बात हो गई कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की। अब इसके बाद आते हैं चौथे मोटर के, यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर है वो परमानेंटली मोटर में कनेक्टेड रहता है, जैसे कि सीलिंग फैन एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सीलिंग फैन में कंडेंसर है, कंडेंसर इज बेसिकली कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो है परमानेंटली मोटर में कनेक्टेड रहता है। ये हो गई मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग,
लाइट वोल्टेज, करंट, मेन वाइंडिंग करंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर कैपेसिटर परमानेंटली मोटर में बना हुआ है। कैपेसिटर का क्या काम है ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, इससे सर्किट में जो पावर फैक्टर है मोटर का पावर फैक्टर वो इम्प्रूव हो जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव होने से टॉर्क इम्प्रूव हो जाती है। तो इस में क्या है, परमानेंटली कैपेसिटर जब मौजूद है तो इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो सी परमानेंटली इसमें जुड़ा हुआ, कोई स्विच नहीं है, तो स्विच की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटर में ये एक तरह की टू फेज मोटर होगी, क्योंकि इसमें ये वाइंडिंग जो है परमानेंटली मोटर में लगी हुई है। तो इसका मतलब ये क्या हुई, ये परमानेंटली बेसिकली टू फेज मोटर की तरह काम कर रही है। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें क्या है, इसमें यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होती है। यूनिफॉर्म टॉर्क परमानेंटली कैपेसिटर मोटर में बना हुआ है और इसमें यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होती है। सी की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा रखते हैं ना तो बहुत कम रखते हैं, मॉडरेट वैल्यू रखते हैं सी की, मॉडरेट। ठीक, ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस हो जाए और ज़्यादा करंट भी मोटर ना ले, तो एक मॉडरेट वैल्यू सी की रखते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो स्पीड है वो भी बड़ी स्मूथ होती है, तो नॉइजी नहीं होती मोटर, नॉइजी नहीं होती मोटर। अब इसका एडवांटेज क्या हो गया, स्विच नहीं है तो नो स्विच यहाँ पर। इसकी इफिशियंसी हाई होती है, हायर इफिशियंसी कंपेयर टू लास्ट फोर मोटर। लास्ट जो आपने फोर मोटर के बारे में पढ़ा, सॉरी लास्ट थ्री टाइप्स ऑफ मोटर, उससे इसकी इफिशियंसी बेटर होती है। ठीक है, और इसकी जो टॉर्क होती है वो मैक्सिमम टॉर्क, जो हमने आपको टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी थ्री फेज मोटर के लिए, उसी तरह से यहाँ पर भी टॉर्क का एक ग्राफ बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, लेकिन वो आपसे पूछ ही नहीं जाते इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। तो ये मोटर क्या है, हायर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो इसका एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया, जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, ब्लोअर से हीटर हो गया, एयर कंडीशन में हो गया, और रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर को चलाने के लिए इस तरह की मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी इसकी वर्किंग सिमिलर टू अदर थ्री सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में परमानेंट कैपेसिटर लगा होता है, उससे इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, एफिशिएंसी ज़्यादा, यूनिफॉर्म टॉर्क है, नॉइज नहीं होता, कैपेसिटर की वैल्यू मॉडरेट है तो हायर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्लस पॉइंट हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट टाइप के मोटर यानी शेडेड पोल मोटर के बारे में। शेडेड पोल, फिफ्थ टाइप, शेडेड पोल मोटर। पोल्स में ये दो पोल्स हैं मोटर के, ये मेन पोल्स हैं, मोटर टाइप का आपको समझ में भी आएगा, ये मोटर हो गया। ठीक है, यहाँ वाइंडिंग भी लगा देते हैं, सिंगल फेज एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करेंट को करेंगे। यहाँ जो ड्रिल किया है यहाँ पर इस पोल को बेसिकली, उसका एक यहाँ पर मोटिव है, पोल के फेस को यहाँ ड्रिल करके यहाँ कॉपर का शेडिंग बैंड लगा देते हैं। मतलब जैसे हाथों में तो बैंड पहनते हैं ना, उसी तरह से यहाँ कॉपर की रिंग बैंड लगा देते हैं। अब कॉपर की जो रिंग बैंड है ये हाईली इंडक्टिव होती है, होती कॉपर शेडिंग बैंड, कॉपर शेडिंग बैंड, ये हाईली इंडक्टिव होते हैं, हाईली इंडक्टिव, ये कॉपर शेडिंग बैंड यहां पे भी लगाया और यहां पे भी। बात समझे? तो
यहाँ पर सिंगल फेज करंट आ रही है, यहाँ एक वायर सिंगल फेज वाइंडिंग लगी हुई है। ये करंट क्या करेगी कि ये जो वाइंडिंग है इसमें करंट फ्लो करेगी, ठीक। करंट के फ्लो होने के वजह से यहाँ पर इस वाइंडिंग में फ्लक्स आएगा, यानी कि मेन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स आएगा, फ्लक्स ऑफ मेन फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ये इस फ्लक्स का पोर्शन इन दोनों कॉपर शेडिंग बैंड से, भाई इस पोल का फ्लक्स इससे लिंक करेगा, इस पोल का फ्लक्स इससे लिंक करेगा, ठीक। तो ये जो कॉपर शेडिंग बैंड है, कॉपर शेडिंग बैंड, इट इज बेसिकली एक्टिंग एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी, शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये मेन पोल जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग मान लीजिए, जो मेन पोल में वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, जो कॉपर शेडिंग बैंड है ये एज अ शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का काम का, जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट सर्किट है समझ लीजिए, तो उसी तरह से कॉपर शेडिंग बैंड वर्क कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर। तो ये मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स है उसका पोर्शन यहाँ पर इस पोल का यहाँ लिंक कर रहा है, इस पोल का फ्लक्स यहाँ लिंक कर रहा है, तो दोनों में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर शेडिंग बैंड क्लोज्ड है यानी शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगी। ये करंट जो है अपना फ्लक्स बनाएगी, और ये फ्लक्स जो मेन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, जो कॉपर शेडिंग बैंड का फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ फ्लक्स ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड, कॉपर शेडिंग बैंड लैग्स बिहाइंड द फ्लक्स ऑफ मेन फील्ड वाइंडिंग। तो इन दोनों फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, फेज डिफरेंस दोनों फ्लक्स के बीच में, जिस वजह से यहां जो रोटर है, रोटर यहां पर भी कौन सा है, स्क्विरल केज, इस स्क्विरल केज रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मिल जाती है रोटेट होने के लिए, क्यों, क्योंकि मेन वाइंडिंग के फ्लक्स और कॉपर शेडिंग बैंड के फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। इस फेज डिफरेंस के वजह से भाई सिंगल फेज फ्लक्स टू फेज फ्लक्स में स्प्लिट हो गया, यहां से तो सिंगल फेज करंट आ रही है, सिंगल फ्लक्स पैदा होनी चाहिए, लेकिन कॉपर शेडिंग बैंड की वजह से सिंगल फेज करंट की जगह, सिंगल फेज फ्लक्स की जगह टू फेज फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है। इसी फेज डिफरेंस की वजह से एयर गैप मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप है इसको कहते हैं एयर गैप, इस एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और फिर जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां मिल गई तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये मोटर स्टार्ट होगा, यही इस मोटर की वर्किंग है। तो ये तो वर्किंग हो गई इसकी, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये मोटर बहुत ज्यादा पुअर पावर फैक्टर देती है, बहुत ज्यादा पुअर पावर फैक्टर जिस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसमें नॉइज बहुत ज्यादा होती है, पुअर पावर फैक्टर देती है, दैट इज वाई इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसकी इफिशियंसी भी बहुत पुअर होती है, ठीक। तो हालांकि सस्ती तो बहुत होती है, क्योंकि इसमें इतनी खामियां तो सस्ती बनेगी, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन भी है इसका, बट लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स है कि इसकी एफिशिएंसी पुअर है, पावर फैक्टर पुअर है, इस वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत पुअर है, इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले कभी इस्तेमाल में होती थी, अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो ये बात हो गई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। इस चैप्टर में जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें से आपको डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। एंड अभी जो आपने पढ़ा इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, या इसको मेथड ऑफ स्टार्टिंग भी कहते हैं, मेथड ऑफ स्टार्टिंग, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है, सेमेस्टर में आया हुआ है,
इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, कैसे इसको सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि मे भी कभी आपसे पूछ लिया जाए, अदरवाइज आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया कि कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होती है, कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस मॉड्यूल का यानी मॉड्यूल 4 का जो लास्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, सॉरी ये मॉड्यूल हो जाएगा खत्म।